तो गाइस सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए गाइस, तब जाके आपको विश्वास होगा। ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा गाइस, वीडियो आपका खराब रहेगा या कैसा भी रहेगा चलेगा, लेकिन आपका थंबनेल खराब रह गया तो भाई आपका एक भी वीडियो वायरल नहीं होगा। जैसे मेरा लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस, मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, क्योंकि गाइस मेरा जो थंबनेल का जो क्वालिटी था गाइस वो बहुत ही गंदा लेवल का था, और आपका भी वैसा ही गंदा लेवल का है। आप भले सोच रहे हैं कि मेरा जो थंबनेल है वो बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही HD क्वालिटी का है, तो गाइस आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस मेरा पर एक भी व्यूज नहीं आ रहा था। मैं जितना भी 3GP HD क्वालिटी का वीडियो यहां पे अब थंबनेल चढ़ाता था गाइस, एक भी मेरा जो वीडियो था वायरल नहीं हो रहा था, क्योंकि गाइस वो ब्लर हो जाता था। YouTube का एक रूल है गाइस, जैसे भी आप थंबनेल लगाओगे तो गाइस थोड़ा ब्लर हो जाता है, लेकिन गाइस अगर आप 4K में थंबनेल लगाओगे तो गाइस आपका जो थंबनेल है वो बहुत ही क्वालिटी का दिखेगा और अच्छा दिखेगा, जिससे लोग जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस लाइव प्रूफ देख पा रहे, थंबनेल को जैसे ही मैंने चेंज किया 4K में लगाना शुरू किया, देन उसके बाद लाइव देख पा रहे होंगे मेरा जितना भी गाइस वो थंबनेल का यहां पे वीडियो है, सभी का सभी गाइस वीडियो जो है मिलियन में और लाख में ही गया है व्यूज, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से बहुत ही इजीली तरीके से गाइस 4K थंबनेल आप बना सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे 5 मिनट देना है इस वीडियो को देखने के लिए गाइस, और पूरा का पूरा हाई क्वालिटी नहीं बल्कि 4K में थंबनेल इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों का यहां पे कमेंट आ रहा था कि सर आप थंबनेल किस तरह से बनाते हो उस पे वीडियो डालो, ठीक है। तो गाइस फाइनली वो जो वीडियो है वो जो ट्यूटोरियल है आ चुकी है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि थंबनेल कैसे बना सकते हैं मेरे जैसा और मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर स्टेप वाइज स्टेप आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से थंबनेल को बनाया जा सकता है। तो ये बिना टाइम को वेस्ट करते हुए गाइस फाइनली मैं यहां पे पिक्सल लैब पे आ गया हूं गाइस, और ये जो थंबनेल बन रही है वो पिक्सल लैब से बन रही है, जिसका एप्लीकेशन का लाइव इधर प्रूफ देख पा रहे होंगे। लोगो आपको इस प्रकार से देखेगा, इस प्रकार से इस पे क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि सिंपल से 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद यहां पे इमेज साइज पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद कस्टम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहां पे YouTube थंबनेल पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आपको यहां पे करके इस प्रकार से बना देते हैं, जो कि सबके सबकी गलत है। मतलब यानी कि ये 3GP में आपका जो ये बन रहा है थंबनेल वो 3GP में बन रहा है, ठीक है। ऐसे आपको नहीं बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो यहां पे पेज लेना है वो वही आपको हाई क्वालिटी का लेना है पेज, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है गाइस, सिंपल सा 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहां पे आपको सिंपल सा इमेज साइज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद आपको ये कस्टम होने देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी पे क्लिक कर दोगे तो उस टाइप का आ जाएगा, लेकिन आपको कस्टम छोड़ देना है, ठीक है। कस्टम छोड़ने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एडिट करना है, और एडिट क्या करना है हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे गाइस सबसे पहले बहुत ही ज्यादा वेट लेना है, तो गाइस उसके लिए आपको 11 यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ पे 520 लिखना है, ठीक है। आप गाइस यहाँ पे इतना लिख लिए, आप गाइस यहाँ पे क्या लिखना है 64, उसके बाद 80, ठीक है। अब गाइस ये जो आपका यहाँ पे रेजुलेशन है, ठीक है, ये जो रेजुलेशन है ये गाइस 4K का रेजुलेशन है, और गाइस इस पे थंबनेल बनाओगे तो भाई 100% जो आपका रेजुलेशन हो जाए वो बहुत ही हाई क्वालिटी का हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया गाइस, लेकिन इससे और ज्यादा बना सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपका मोबाइल सही है या फिर आप लैपटॉप पर बनाते हैं तो इससे भी ज्यादा बना सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता है। तो गाइस लैपटॉप पर जब मैं बनाता हूँ तो इससे भी हाई करके बनाता हूँ, ठीक है। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपल से क्या लेना है, सिम से फिर से गाइस यहाँ पे ओपन पर हम क्लिक कर दिए, तो गाइस उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है गाइस, देन उसके बाद आपको इमेज साइज पर जाना है, देन उसके बाद फिर से आपको लिखना है यहीं पे सेम टू सेम 11 520, देन उसके बाद फिर से क्या लिखना है यहाँ पे गाइस 64, देन उसके बाद 80, ठीक है। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे गाइस, रेशियो जो है आपका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 16:9 का ही होगा, ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे रेजुलेशन बढ़ा हुआ है, आपका रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। आप गाइस इस पे सिंपल सा ओके पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ओके पर जैसे क्लिक करते हैं तो गाइस आपको ये जो न्यू वाला ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल से इस वाला लेयर पे क्लिक करना है, ये जो गाइस है ये लेयर है, ठीक है। इस लेयर पर जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आएगा, मतलब यानी कि डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, एडिट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस आपको लेयर को अच्छा तरीके से समझना है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा सब चीज, ठीक है। तो लेयर पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो गाइस मेरा जो लेयर है वो चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना तक सीख गए होंगे गाइस, अब आपको 1x1 करके आगे सारा चीज प्रोसेस बताता हूं कि मैं अपना थंबनेल को कैसे बनाता हूं गाइस। उसके लिए आपको करना क्या है गाइस, सिंपल से ये वाला पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो गाइस इधर है, थोड़ा सा मैं यहां पे गाइस अपना ब्रश को ही अपना ओपन कर लेता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ब्रश को मैं यहां पे सिंपल से गाइस ओपन कर लिया हूं, फिर से इस पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद गाइस ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे आपको सिंपल से क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो गाइस आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देन उसके बाद गाइस यहां पे आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, देन उसके बाद आप कलर भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस कलर हम डालते हैं,
इस प्रकार से हो गया। अगर आप ग्रेडियंट कलर डालना चाहते हैं तो गाइस आप यहाँ पे सिंपल से क्लिक करो, ग्रेडियंट इस प्रकार से कलर डाल दो, ठीक है। जैसे मन करता है वैसे ग्रेडियंट को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो गाइस। और इसमें बहुत सारा फंक्शन है, मैं अगर पूरा बताने लगा तो गाइस एक घंटा क्रॉस कर जाएगा वीडियो, ठीक है। तो गाइस मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं अपना थंबनेल को कैसे बनाता हूँ, ठीक है। तो गाइस सिंपल से ये प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर को ले लेता हूँ गाइस, एकदम फुल्ली ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा तो फुल्ली ब्लैक ले लिया हूँ गाइस, ठीक है। ब्लैक लेने के बाद देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या चीज है, हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप गाइस यहाँ पे सिंपल सा प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको अलग अलग गाइस बहुत सारे फ्रॉम गैलरी देखने को मिलेगा, देन उसके बाद शेप देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, क्रेन डेट वगैरह सारा चीज प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सिंपल से मैं अपना थंबनेल कैसे बनाता हूँ वो चीज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लूंगा, ठीक है। सिंपल सा गाइस रिसेंट पर हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ सिंपल सा फंडामेंटल, ठीक है। तो गाइस इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे क्या करते हैं इसको सिंपल से क्लिक कर लेते हैं, इस प्रकार से हम क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉप करने के बाद देन गाइस मैं यहाँ पे कल जो शॉर्ट वायरल कराया था वही वाला है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करता हूँ, बीच वाला पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बीच वाला पे क्लिक करना है, बीच वाला पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल से हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे 3D रोटेशन करूंगा, ठीक है। ये जो 3D रोटेशन है इस पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप ऊपर वाला पे ऐसे करोगे तो भाई ऊपर नीचे 3D रोटेशन होगा, इस प्रकार से लाइव देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से दिखेगा गाइस, और अगर आपको सिंपल सा सेम वैसा ही करना है तो आपको यहाँ पे बीच वाला पर क्लिक कर देना है, सेम टू सेम हो गया, ठीक है। मतलब ये रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। आप गाइस करना क्या है, सिंपल से गाइस आपको इस प्रकार से बढ़ाना है तो इस प्रकार से गाइस 3D रोटेशन होगा, इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो गाइस इस प्रकार से 3D रोटेशन होगा, लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे, मतलब उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से मैं यहाँ पे कर देता हूँ गाइस, ठीक है। इस प्रकार से मैं अपना थंबनेल में इसी प्रकार से ज्यादा रखता हूँ, ठीक है। अब गाइस इसको यहाँ पे सिंपल से इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। इतना करने के बाद देन उसके बाद क्या करना क्या है, सिंपल से गाइस शैडो पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। शैडो पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद मैं कहता क्या हूँ कि सिंपल से गाइस शैडो को यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, या कुछ भी जो भी आपको मन करता है ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक ब्लैक में सही लगेगा। अब देन गाइस उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल से गाइस आपको इस पे स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे आपको इस पे क्लिक करोगे तो गाइस इस प्रकार का इंटरफेस देखने का, और आपको जो भी कलर करना चाहते हैं ये बॉर्डर होता है, ठीक है। मतलब यानी कि स्ट्रोक का मतलब बॉर्डर ही होता है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर इसको दे देता हूँ ताकि थोड़ा यूनिक लगेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा, ठीक है। तो लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दिया हूँ गाइस। मैं थोड़ा येलो कलर का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं येलो कलर का यूज कर लेता हूँ गाइस। देन उसके बाद ये तो सिंपल सा हो गया फंडामेंटल। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको आता है सिंपल सा ये आ जाता है, ठीक है, आपका ये आ जाता है गाइस सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ अपना इसको, ठीक है। तो गाइस लेयर पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे फॉन्ट का यूज कर लेता हूँ और लिखता हूँ शॉर्ट्स, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम यूज करता हूँ वही चीज पूरा का पूरा 100% सेम टू सेम बना के दिखा देता हूँ। अब गाइस मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया हूँ गाइस, ठीक है। इस प्रकार से मेरा जो शॉर्ट है ये लिखा गया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस मैं यहाँ के क्या करूंगा, इसको गाइस ये वाला फॉन्ट जो है फॉन्ट पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे गाइस, और यहाँ पे आपको के बाद देन उसके बाद यहां पे क्लिक करोगे तो भाई यहां पे स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। स्टाइल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो भाई आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको बोल्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है, थोड़ा बोल्ड भी अच्छा लगता है। देन उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, इस पे सिंपल से क्लिक कर देना है, इटैलिक कर देना है, थोड़ा सही लगेगा। अब गाइस सेम टू सेम लग रहा होगा कि उसी प्रकार से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब गाइस इस पे सिंपल से क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद यहां पे पैडिंग इसका थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। पैडिंग इसलिए बढ़ाएंगे गाइस क्योंकि बड़ा करेंगे तो कट जाएगा मेरा फोन, इसलिए मैं पैडिंग जो है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया हूँ गाइस, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल सा गाइस आपको फॉन्ट पे जाना है, ठीक है। मैं फॉन्ट को यहाँ पे चेंज करूंगा तभी जाके होगा गाइस, ठीक है। फॉन्ट पर जैसे ही आओगे तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा फॉन्ट मिलेगा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं ऐड नहीं करता हूँ, ऑटोमेटिक इसमें थंबनेल में मतलब यानी कि पिक्सल लैब में जो फॉन्ट है उसी का यूज करता हूँ। ये जो गाइस कौन सा भाषा में लिखा हुआ आई डोंट नो, बट ये वाला फॉन्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ यूज, ठीक है। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो लाइव प्रूफ देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा फॉन्ट है वो सेम टू सेम मेरा थंबनेल जैसा ही लगने लगा जो मैं फॉन्ट में ज्यादा यूज करता हूं, मतलब थंबनेल में, ठीक है। इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। इस प्रकार से देखने के बाद देन उसके बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको स्ट्रोक में बढ़ा देता हूं, ठीक है। स्ट्रोक में ले लेता हूं गाइस, स्ट्रोक में मैं ब्लैक ही लेता हूं इसमें, ठीक है।
और थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको 11 कर देता हूँ गाइस, 11 ही रहता है मेरा मैक्सिमम थंबनेल में, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद देन उसके बाद मैं इसको कलर दूंगा, ठीक है। कलर अब मैं यहाँ पे कौन सा कलर दे दूँ तो सही लगेगा, येलो ही देता हूँ, ठीक है। येलो सही लगता है मेरे को, ठीक है, येलो दे देता हूँ गाइस इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से लाइव देख पा रहे होंगे, मेरे को यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर फुल्ली येलो देंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस हम कर लेते हैं, ठीक है। और हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इतना करने के बाद देन उसके बाद हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, मेन काम यहीं से शुरू हो जाती है, करना क्या क्या चीज है। तो गाइस उसके लिए कि ये सिंपल सा प्लस आइकन पर हम क्लिक कर लेते हैं गाइस। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद देन उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा रिसेंट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका जहां भी गाइस आप रखे हो एक्सेसरीज वो सारा चीज ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं जहां जहां रखा हूं सारा स्विच मैं उठाते जा रहा हूं धीरे धीरे और मैं लगाते जा रहा हूं, और सारा प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे चीज ऐसी चीज है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है पिक्सल लैब में, ठीक है। अब गाइस मैं यहां पे सिंपल सा गाइस लगा देता हूं, और गाइस यहां पे स्क्वायर साइज का मैं सिंपल से इस पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। क्लिक करने के बाद देन यहां पे क्लिक करूंगा गाइस, और उसके बाद यहां पे इसको सिंपल सा क्या करता हूं नीचे कर लेता हूं, ठीक है। अब गाइस ये जो हो गया सिंपल से फंडामेंटल क्लियर हो चुकी है। अब गाइस मैं कुछ चीजें और इसमें ऐड करता हूं ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, और कैसी थंबनेल उसी को बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइस अब आपको करना क्या है, सिंपल से मैं ले लेता हूं, और जितना भी चीज मैं लगा रहा हूं सारा का सारा चीज जो गाइस मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप मुझे फॉलो कर लेना, वहां से आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस इस पे सिंपल से फिर से क्लिक कर लेते हैं गाइस। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद पीएनजी थंबनेल पे क्लिक कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। और ये चीज लगाते हैं तो गाइस थोड़ा सा मेरा जो थंबनेल है और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, ठीक है। और ये चीज लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस थंबनेल को जो ये है एनहांस कर देता है इसका लुकिंग, ठीक है। अब गाइस नीचे कर लेते हैं इसको, सबसे पहले नीचे कर लेते हैं, सबसे नीचे हो गया गाइस, ठीक है। अब जो गाइस ये चीज है आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार से गाइस। और इतना करने के बाद देन उसके बाद आपको सभी का लेयर जो है गाइस उसको आपको लॉक कर देना है, ठीक है, ताकि इधर उधर ना हो, ठीक है। और एक चीज मैं और गाइस इसमें ऐड करता हूँ, जो आपको दिखा देता हूँ क्या चीज और ऐड करता हूँ, जो आपको मिल जाएगा सारा सारा के सारा चीज टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस इस पे सिंपल से क्लिक कर लेते हैं, देन उसके बाद सबसे हम नीचे आन लेते हैं, और आने के बाद देन उसके बाद गाइस मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्या कहता हूँ इसको, कलर को चेंज कर लेता हूँ गाइस। कलर मेरा जो है वो चेंज हो चुकी है ऑलरेडी गाइस। आप गाइस यहाँ पे इतना चीज तो हो गया, सारा चीज सेम लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारा चीज अभी मिस्टेक हो रही है, ठीक है, जो आपको सारा का सारा चीज मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब प्यार से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हर स्टेप को क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, सिंपल से गाइस फिर से मैं यहाँ पे जो शॉर्ट लिखा हुआ है इसको गाइस यहाँ पे क्या कहता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद देन उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा गाइस इस प्रकार से क्लिक कर देना है, देन उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ डालते ही, ठीक है, डालते ही लिखता हूँ। तो सिंपल सा इस प्रकार से मैं लिख दिया हूँ, ओके कर दिया हूँ गाइस। ओके करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको छोटा साइज कर लेना है, देन उसके बाद गाइस इसका जो कलर है आपको चेंज कर देना है सिंपल सा, ठीक है। मैं हूँ गाइस इसका कलर जो है चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइव देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे इसका जो कलर हो गाइस वो चेंज कर दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब गाइस कलर चेंज करने के बाद देन उसके बाद थोड़ा और अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अलग अलग कलर में भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा मैं करता हूँ वैसा मैं करके दिखा देता हूँ, सारा का सारा प्रोसेस सिंपल हो रही है, ठीक है। और गाइस अलग अलग टाइप के बहुत सारा चीज थंबनेल आप बना सकते हैं, खाली आपको सीखना जाना है अच्छा से। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ शॉर्ट्स को कॉपी, देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट वायरल, ठीक है। मैं जैसे करता हूँ गाइस सेम टू सेम आपको करके दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट वायरल लिख देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद गाइस आपको करना क्या क्या चीज है, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट वायरल लिख देता हूँ गाइस, डायरेक्ट वायरल लिखने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल से इसको सेट कर दे रहा हूँ अच्छा से, ठीक है। देन उसके बाद सेट करने के बाद देन उसके बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, और देन उसके बाद इसमें जो भी चीज मैं ऐड करता हूँ सारा का सारा प्रोसेस सिंपल सा दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब गाइस ये चीज हो गया, अब इसके अंदर अंडरलाइन में ऐड करता हूँ जो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगता है। आप लोग भी क्लिक कर रहे होगे तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि क्या क्या चलते मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देन उसके बाद इसका जो कलर है गाइस मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और कलर को चेंज करने के बाद देन गाइस थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा और थोड़ा सा और अच्छा लगेगा दिखने में भी आपको, ठीक है। और गाइस इसका जो कलर है मैं सेम टू सेम कर देता हूँ, ठीक है। कलर जब सेम करेगा मैच करेगा तो थोड़ा मजा इंटू थाउजेंड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा।
अब गैस यहाँ पे सेम टू सेम अच्छा लग रहा होगा देखने में भी आप लोगों को। अब गैस क्या करते हैं, डालते को मैं गैस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रकार से पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद मैं सिंपल से इसको इरेज कर दिया। अब इरेज करने के बाद गैस आपको हिंदी फॉन्ट का यूज कर लेना है। ठीक है, नहीं हुआ तो नाम बदल लूंगा। ठीक है, अब गैस यहाँ पे सिंपल से इस प्रकार से मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ बनाता हूँ गैस आपके यहाँ के सामने सारा चीज़ प्रोसेस होने वाली है। ऐसा नहीं कि लुका छुपा के मैं करता हूँ कोई भी चीज़, नहीं, जो भी चीज़ बनाता हूँ सिंपल से आपके आँख के सामने बना के दिखा दे रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं थंबनेल में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब गैस यहाँ पे करना है। ठीक है, अब आपको सिंपल से इस प्रकार से क्लिक कर देना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गैस अब आपको करना क्या है, इसका कलर को चेंज कर लेना है। कलर को चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गैस यहाँ पे नाम का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब गैस क्या करता है, कुछ और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और गैस जो भी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो सारा का सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर लेना, सारा का सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब गैस मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ। गैस सेट करने के बाद गैस कुछ इस तरह से आपका जो थंबनेल है वो दिखने लगेगा। गैस कुछ चीज़ें जो है इसमें मिस लग रही है तो उसको गैस फुलफिल करते हैं। देन उसके बाद और इसका जो ब्यूटी है वो और आपको इन्हांस करके दिखाते हैं। ठीक है, अब गैस इसका स्ट्रोक हम बढ़ा देते हैं। गैस मेरा जो ये है लोगो है इसको स्ट्रोक जो है मैं चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, अब गैस थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा देखने में, आप लोग को थोड़ा देख पा रहे होंगे किस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, अब गैस इतना करने के बाद देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल से प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गैस यहाँ पे और बहुत सारा चीज़ आप ले सकते हैं, जो भी आपको मन करता है कि हाँ मैं लूँ तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, आप लेने के बाद देन उसके बाद गैस इसको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गैस यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ ताकि इधर उधर ना हो। अब गैस यहाँ पे सिंपल से इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो उसको और यहाँ पे दिखा सकते हो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करके बहुत ही इजिली से आप कर सकते हैं गैस थंबनेल को बना सकते हैं। थंबनेल बनाने के बाद गैस ये मेरा थंबनेल जो है मान लेते हैं रेडी हो गया, बहुत सारी चीज़ इसमें करना बाकी है लेकिन मान लेते हैं कि मेरा रेडी हो गया। ठीक है गैस, रेडी होने के बाद देन उसके बाद आपको सिंपल से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है गैस। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गैस आपका जेपीजी नो ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपल से पीएनजी पे क्लिक कर देना है। पीएनजी पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद 11520 आपको रेजोल्यूशन दिखेगा विथ और हाइट दिखेगा 6480। इस पर गैस आपको क्लिक करके देन उसके बाद आपको सेव टू गैलरी जैसी करोगे तो गैस आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो जाएगा गैस। और ये जो थंबनेल है गैस बहुत ही एमबी हाई क्वालिटी के बनती है, आपको समझ में आ जाएगा गैस। फाइनली मेरा जो थंबनेल है गैस रेडी हो चुकी है गैस, आप लाइव आपको दिखाऊंगा तब जाके आपको विश्वास होगा। तो लाइव इधर प्रूफ देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा रिफ्रेश मारेंगे तो लाइव देख पा रहे होंगे मैं गैस। यहाँ पे मेरा जो थंबनेल है वो रेडी हो चुकी है गैस। और इस पर हम अगर क्लिक करके इसका डिटेल देखते हैं तो लाइव इधर प्रूफ देख पा रहे होंगे गैस, यहाँ पे 8.45 MB का बना हुआ है। कुछ थंबनेल ऐसे भी होते हैं हमारा जो गैस 50 MB का होता है, एक थंबनेल से 50 MB का लाइव समझ सकते हैं, एक इमेज 50 MB का कितना पावरफुल थंबनेल बनता है। ठीक है, तो गैस इस प्रकार से करके बहुत ही इजीली से आप थंबनेल को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गैस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इसी तरह का फ्यूचर में और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्त।